हेलो फ्रेंड, आप जामिया वाल देख रहे हैं और जामिया वाल इस वक्त मौजूद है मथुरा बाजार में। और जिस तरह से ये रोड का दुर्दशा काफी आप जानते हैं और जिस तरह से बाढ़ आने की वजह से और भी दुर्दशा हो गया है। और ये देखिए जिस तरह से लगातार पानी बाढ़ के आने की वजह से लगातार कटाव कर रहा है और बहुत ही तेज गति से पानी बह रही है। और सामने जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए काफी कटाव हो रही है और ग्रामीण काफी परेशान है और चाह रहे हैं कि सरकार इस पर पहल करे, इस पर मिट्टी भराई करे और यहाँ पत्थर लगाए। जिस तरह से यहाँ पर आप देखिए काफी एक तरह से काफी परेशानी और लगातार जो किसान हैं वो अपनी कुछ धान के रोपनी किए थे, लेकिन जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है उससे बहुत ही नुकसान हुआ है। तो और भी हम लोग जानते हैं दादा, कोई बहुत ही परेशानी हो रहा है, ये लगातार मिट्टी कटाई हो रही है, बाढ़ काट लिया, बहुत रोड काट दिया है, खराब हो गया है, सब बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए, बताएं आप क्या चाहते हैं। पुल के चलते कटाव हो रहा है, पुल जो बना है इसी के चलते कटाव हो रही है, पहले नहीं कटता था, इसके चलते पुल के चलते कटाव हो रही है। तो ये देखिए सरकार पुल पर ध्यान दे, क्या चाहते हैं आप, मतलब सबसे पहले सरकार है कि पुल पर ध्यान दे। जो एक लाइन से पुल बना हुआ है ना, ये पुल के चलते पानी का बहाव कम हो गया है, ताकि इससे रोड का कटाव ज्यादा हो रहा है। इधर बगल में कोखला गांव भी है, उसको परेशानी भी ज्यादा हो रहा है, पानी सब रोड पे आ रहा है, रोड को तोड़ रहा है, खराब कर रहा है सर। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जितना जल्द हो सके इसका व्यवस्था किया जाए हम लोग, यानी चौड़ीकरण भी का है। हाँ दोनों भी, और पीसीसी भी है, ढलाई भी दोनों भी करना चाहिए, काम नहीं हो रहा। तो देखिए लगातार ग्रामीण हैं और यहाँ पर चीजों को देख रहे हैं, बाढ़ से बड़ी ही परेशानी हो गया है और काफी जिस तरह से ये मथुरा रोड जो है मथुरा होते हुए रगड़ियागंज जाता है काफी खराब और भी हो चुका है। लगातार आश्वासन के बावजूद भी ये रोड नहीं बन पा रहा है। तो और भी लोग से बात करेंगे, देखिए ये देखिए किस तरह से कटाव हो रहा है, काफी एक तरह से पानी बाढ़ आया हुआ है। मतलब कि मथुरा को ये सड़क जो मेन है वो सबको काट रहा है, काट रहा है। क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, इसके साथ ही फसल जो धान रोपनी है सब खत्म हो गया, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा देखिए एक और है, ये रोड को लगातार आश्वासन मिलता है आप लोगों का, ये मथुरा नकटियांगवाज बलतर बनने का, लेकिन नहीं बन पाता है। नहीं बन रहा है, ऐसा ही है, 10-20 साल से ऐसा ही है। सिर्फ नेता वोट लेने आता है सर? हाँ सिर्फ वोट लेने आता है और ऐसे रह जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये काफी देखिए कटाव आप समझ सकते हैं, मथुरा चौक पर इस तरह के कटाव हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि और आम जगहों पर क्या सिचुएशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी भयानक एक तरह से कटाव हो रहा है। तो और भी कुछ बात करते हैं, क्या ये बताएं, बड़ा लगातार नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है और ये सड़क का जमीन जो है स्पेशली बाढ़ भी कट रहा है। तो देखिए और देखिए लगातार कटाव, ये देखिए कहीं ना कहीं ये पुल बना है, बता रहे हैं क्या करना है। अब जो पुल बना हुआ है इसी के चलते रोड टूट रहा है। पुल के बनाए लगा, पुल बनाए वाला पीछे के जमीन वाला लोग बने लेवा, मकान वाला बने लेवा, इसी के चलते रोड कटाव हो रहा है, उसको प्रशासन देख कर अपना कार्रवाई करे। तो ये लगातार देखिए ये कटाव कितना हो रहा है और आप समझ सकते हैं कि लगातार किसान कितने परेशानी में हैं और कटाव होने की वजह से लोग परेशान हैं। और देखिए एक और बात आता है कि इस रोड को जो कि बलथर नकटिया मथुरा होते हुए जाता है, लगातार इसको मतलब नजरअंदाज किया जाता है, इसको बनना चाहिए। यहाँ का प्रशासन जो नरगढ़िया प्रखंड का है इस पर चाव नहीं करता है और इन लोगों को हमारे प्रखंड नरगढ़ियागंज का पैसा चाहिए, बस सिर्फ पैसा चाहिए, घूस मिलता है और घूस लेकर यही सब काम कराते हैं लोग, बस जो भी प्रखंड अध्यक्ष है सब लोग पैसे लेकर ही यहाँ काम कराते हैं। तो देखिए शिकायत है जनता का कि किस तरह से सरकारी महकमा के लोगों का बिहेवियर होता है। तो बड़ी तादाद में देखिए पानी बहुत ही तेज रफ्तार से, देखिए यहाँ पर पहले जो विधायक साहब थे उनका बोर्ड लगा है, अब अभी देखिए उनका बोर्ड शिलान्यास के लगा ही है, लेकिन ये रोड सब खत्म हो चुका है। क्या समझ सकते हैं कि एक रोड 5 साल तक भी नहीं चलता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी वहाँ पर एक तरह से पुल था, उसको भी एक तरह से जाम करके रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों प्रशासन को भी पहल करना चाहिए और जो जहाँ भी जो मुश्किल है उसको एक तरह से साफ सुथरा करना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं, बड़ा दिक्कत हो रहा है, बहुत कष्ट है। कहाँ से आ रहे हैं? कष्ट है, कष्ट है, तो कष्ट है तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए, रोड उखाड़ कर खड़ंजा करवा दे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। और देखिए कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी है, एक तरह से कमेंट है, एक तरह से वो महकमा क्या एक बात है, खड़ंजा ठीक था पहले से पहले सही बात है, कौन सरकार है हमारे का। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार को भी एक तरह से ध्यान देना चाहिए। बहरहाल मथुरा चौक से मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मथुरा चौक।